सो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19 सितंबर को जियो एयर फाइबर लॉन्च हो जाएगा, जो गणेश चतुर्थी का दिन है, उस दिन जियो एयर फाइबर लॉन्च हो चुका है मार्केट के अंदर। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अब इसका प्राइसिंग क्या है और इसको आप कैसे परचेज करोगे, कहाँ कहाँ यूज में आने वाला है और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थोड़े समय पहले जियो का फाइबर लॉन्च हुआ था, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। उसमें जियो राउटर लगता था, उसमें वायरिंग का प्रॉपर कॉस्टिंग आता था और काफी सारे उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ता था उसका कनेक्शन आपके घर तक पहुंचाने के लिए। बट अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि जियो एयर फाइबर के अंदर सबसे खास बात यह कि ये पोर्टेबल है। इसको आप कहीं भी लेके घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, कहीं भी ले जाके घूम सकते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट आपके पॉकेट के अंदर होगा। आप अपने फोन में इजीली एज अ वाईफाई उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि एयरटेल जो है अपना एयर फाइबर पहले ही लॉन्च कर चुका है, दिल्ली और मुंबई में अभी वो एक्टिव है, बट मल्टीपल सिटीज में ये अभी आया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जियो का जो एयर फाइबर है वो अभी मात्र 8 सिटी में अवेलेबल। अगर आप 8 सिटी में हो तो आप बुकिंग करा सकते हो। अभी बुकिंग कराने के लिए यहाँ पे मैं जियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे आपका नाम, आपका होम एड्रेस, आपका इंस्टॉलेशन एड्रेस, बाकी डिटेल्स मांगता है और शुरू में आपसे ये 100 रुपये चार्ज करेगा और टोटल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट 1000 रुपीज होगा। जो 100 रुपये आप देंगे उस समय, वो बाद में जाके 1000 रुपीज के बिल में एडजस्ट होकर आपको 900 रुपए देने होंगे। इंस्टॉल कराने के बाद 1 महीने या 2 महीने, 3 महीने का आप रिचार्ज इजिली करा सकते हैं। अगर यही प्लान आप 12 महीने का टोटल ले लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टॉलेशन चार्ज 1000 रुपीज है वो आपको नहीं देने होंगे। जियो ने एयर फाइबर में भी दो टाइप का देख रखा है, एक तो है जियो एयर फाइबर और एक है जियो एयर फाइबर मैक्स। आप देख सकते हैं दोनों का अलग अलग अपना अपना प्लान है। जियो एयर फाइबर के अंदर जो प्लान है जिसमें कि 599, 899 और 1199 का पैकेज है और इसमें आपको 30 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps का स्पीड आपको मिलता है। एयर फाइबर मैक्स के अंदर 1499, 2499 और 3999 का प्लान है, जिसमें कि 300 Mbps, 500 Mbps और 100 Mbps तक का स्पीड आपको मिलता है, जिसमें कि OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल TV ये सब सारे मिलते हैं। तो ये दो टाइप का प्लान है, आप जब चाहो तब बुक कर सकते हो। बुकिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करते हैं। अगर हमारे सिटीज में ये अवेलेबल होगा तो मैं आपको बुकिंग करके भी आपको दिखाऊंगा अपकमिंग डेज में। अभी ये अवेलेबल है नहीं, बट 8 शहर में है। 8 शहर का नाम आप देख सकते हो, इन 8 शहर में वो लॉन्च हो रखा है। अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो जाके आप बुक कर लो। अभी देखते हैं कि अभी ये एयरटेल को कैसे कम्पीट कर पाता है। एयरटेल अभी 2 ही शहर में अवेलेबल है, अपकमिंग डेज में ये ऑल इंडिया लॉन्च कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर कंपटीशन स्टार्ट होगा जियो और एयरटेल फाइबर के अंदर और देखेंगे किसका प्लान सस्ता और किसका सर्विस अच्छा है। हाँ, सबसे खास बात कि दोनों जो है 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो स्पीड का आपको टेंशन नहीं लेना है, प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको स्पीड मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।